निकलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस के एग्जाम की, बात कर रहे हैं आरजेएस के एग्जाम की। तो अभी भी एक दो मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आया था आरजेएस के एग्जाम का और जिसकी वजह से लेके काफी सारे डिस्कशन स्टार्ट हो गए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव करें, मेरे स्टेटस पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने अपने स्टेटस पे लगाई। जब आपने ये स्टेटस देखा तो आपको लगा क्या वह वैकेंसी आ गई, क्या फॉर्म आ गए? नहीं नहीं, ना तो वैकेंसी आई है बेटा और ना ही कोई फॉर्म आया, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जो एग्जाम था हमारा, उस एग्जाम में हमारे पास डिसेबिलिटी की जो पोस्ट थी वो वैकेंट रह गई थी। तो इन्होंने रूल निकाला कि जो पोस्ट जो है आपकी वैकेंट रह गई थी डिसेबिलिटी को लेके, वो 2022 की जो वैकेंसी है उसमें उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इट्स मीन 83 सीटें तो आपकी है ही है, और साथ ही साथ जो लास्ट टाइम जो सीटें खाली रह गई थी, कब रह गई थी लास्ट टाइम आपकी सीटें? जो अभी एग्जाम हुआ था 2022 में एग्जाम हुआ था ना, अभी हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आया था 2021 की जो वैकेंसी थी, उसमें अगर कोई सीटें खाली रह गई हैं तो वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और वो आगे जुड़ जाएगी, तो वो उन्हीं की रहेगी, किसी और के नहीं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या आरजेएस के फॉर्म इसी महीने आ रहे हैं या अगले महीने आएंगे या मार्च में आएंगे या कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आरजेएस की वैकेंसी हमारे पास पूरा दिसंबर पड़ा है, और जब दिसंबर हमारे पास पूरा पड़ा है तो फॉर्म निकल सकते हैं। अगर दिसंबर में फॉर्म निकलते हैं तो हमें फॉर्म भरने के लिए पूरे 30 दिन मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए दिसंबर से जनवरी तक हम फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के 45 डेज बाद हमारा प्री का एग्जाम होता है, ये जनरल रूल कहता है। अगर 45 डेज बाद की हम बात करते हैं तो मार्च के अंदर लास्ट वीक में प्री के एग्जाम होने की संभावना है, प्री एग्जाम होने की संभावना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है फॉर्म आ रहे हैं कि नहीं। तो इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है फॉर्म आ रहे नहीं। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है मैं अपना व्हाट्सअप स्टेटस जो है अपडेट कर दूंगी। मंडे तक पता चल जाएगा कि क्या फॉर्म आ रहे, क्योंकि कल सैटरडे की छुट्टी आ जाएगी, तो आनी होगी तो आज रात को ही निकल जाएगी, और नहीं तो फिर मंडे को मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि फॉर्म आ रहे नहीं। और फॉर्म आने के वैसे चांसेस हैं क्योंकि 2022 की उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है। लेकिन कई बार ये लोग क्या करते हैं, 2022 और अगर 2023 की मर्ज कर देते हैं, और यदि मर्ज कर देते हैं तो वैकेंसी जो है नेक्स्ट ईयर जाने की संभावना हो जाती है, फॉर्म नेक्स्ट ईयर आने की संभावना है। तो अभी फिलहाल आप यही माने कि अभी फॉर्म आने ही वाले हैं और मार्च में आपके एग्जाम है, और उसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि भाई मेरे मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम है, बाकी वैकेंसी आनी होगी तब आएगी, फॉर्म आने होंगे तब आएंगे, आपको तो जज बनने से मतलब है, तो आप तो बस अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। फॉर्म वॉर्म का हमें क्या लेना देना, आएंगे तब आ जाएंगे। मैं तैयार हूं या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि आग लगने के बाद कुआं खोदोगे उसका क्या फायदा है, आप अभी से कुआं खोद के रख लो। अगर आपको जज बनना है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है? तो जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आ रही हूँ। फिलहाल दिसंबर में आने की संभावनाएं हैं। आज के लिए धन्यवाद।